बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जातीय जनगणना पर तमाम दलों को बुलाया गया और ऐसे में तमाम दलों के नेता से बातचीत होगी और बातचीत के बाद सहमति से फैसला लिया जाएगा। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर लगातार गहमा गहमी रही। ऐसे में जिस सरकार की अगर बात करें हम, तो जेडीयू बीजेपी दोनों एक साथ थे, लेकिन बीजेपी पहले इस मुद्दे पर तैयार नहीं थी। फिर बाद में तमाम पार्टियां, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, एक साथ आई। आप देख रहे हैं, ये अंदर की तस्वीरें, संवाद कक्ष है जहां मुख्यमंत्री खुद बैठे और मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो विपक्ष के नेता हैं या जो भी सत्ता दल के साथ हैं वो यहाँ है और ये बैठक शुरू हो गई है। और बैठक में आप देख रहे हैं किस तरह से जो तमाम विधायक हैं, तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और अब सर्वदलीय बैठक होगी। और ये पहले से तय था कि यहाँ सर्वदलीय बैठक होनी। सर्वदलीय बैठक में सहमति बनेगी। सहमति बनने के बाद, जो सहमति बनती है उसके बाद फिर एक तरह से कह सकते हैं कि इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री तमाम दलों के साथ विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद इस जातीय जनगणना को कैसे कराया जाए बिहार में और क्या इसके लाभ हो सकते हैं और क्या क्या इससे फ़ायदा हो सकता है, इन सब मुद्दों पर भी बात होगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये देखना होगा कि इस जातीय जनगणना के बाद क्या कुछ सामने आता है और राजनीतिक गलियारों में इसका क्या कुछ असर पड़ता है। पटना से न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव राय।